कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग ने जेल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के कारागारों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आए दिन निर्धन बंदियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसको लेकर निर्धन बंदियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे ही एक बंदी ने अपना नाम न खोलने की शर्त पर बताया कि कारागार में हर काम पैसे से होता है। जो बंदी पैसा नहीं देता उसकी घुंटी पर ले जाकर पिटाई की जाती है और निर्धन बंदियों को जो भोजन दिया जाता है उसमें एकमात्र दाल होती है जो सिर्फ 50% होती है। इसके अलावा 50% पानी होता है। गिनती काटने के नाम पर भी 2,000 से 3,000 रुपए तक की वसूली जेल के अंदर की जाती है। प्राइवेट मिलाई को लेकर अगर बात की जाए तो 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक इसके लिए जेल प्रशासन ने तय कर रखे हैं। धनवान बंदियों को 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। मोटी सुविधा शुल्क देने के बाद में निर्धन बंदियों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ साथ जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उन्हें वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जो एक बंदी के नाते नहीं बल्कि एक परिवार के नाते दी जाएं। आगे कहा गया है कि जो छोटे केस में आते हैं और बिना टिक के केसों में जो बंदी बंद होते हैं उनके साथ भी बड़े केसों के बंदियों को बंद कर दिया जाता है, जबकि जेल की कैपेसिटी इतनी नहीं है। इन पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में रैन बसेरे बनाए जाएं और छोटी धाराओं में जो व्यक्ति जेल जाते हैं जिन्हें 1-2 दिन में ही छूटना होता है उनके साथ में कानूनन व्यवहार किया जाए। रमजान का पवित्र महीना आ रहा है। रोजेदार बंदियों को अच्छी खाने पीने की सुविधा दी जाए। शहरी में और अफ्तार में अच्छा भोजन दिया जाए। बहुत से बंदी ऐसे होते हैं जिनकी कोई मिलाई करने नहीं आता। इनको दूध और रोटी दी जाए ताकि वो शहरी में पेट भर के खा सकें और अवतार में बंदियों को फल भी वितरित किए जाएं। उत्तर प्रदेश की जेलों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। कारागारों में सट्टा हो रहा है उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में शातिर अली रायनी, गुड्डू खान, महबूब आलम अंसारी, कफील खान, डॉक्टर एस खान, शाहिद अंसारी, शब्बू नसीम खान, गुलाम साबिर, उस्मान अब्बासी, चंदा अनबर, रईस अहमद, गुड्डू खान, जुबैर बेग, वसीम खान आदि लोग शामिल रहे। मुर्दाबाद।